फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको हैप्पी धनतेरस। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी बेसन और मलाई की बर्फी, वो भी बिना घी के। घी बिल्कुल ही इसमें सिर्फ नाम मात्र ही डलेगा और मलाई और बेसन ही इसमें मेन सामग्री है। तो आज मैं आपको बनाना बताऊंगी सॉफ्ट और खाने में बहुत ही टेस्टी बेसन और मलाई की बर्फी। तो चलिए चलते हैं बर्फी बनाने की तरफ। ये देखिए, मैंने एक कटोरी बेसन को छान लिया है और इस परात में डाल लिया है। एक कटोरी बेसन में हम हाफ कटोरी मलाई की ही डालेंगे और हमें एक डो तैयार करना है। एकदम से मलाई आप इसके अंदर ना डालें, थोड़ी थोड़ी करके ही हमें इसको मिक्स करना है। और एक बिल्कुल स्मूथ सा डो तैयार करना है। ये देखिए, अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें। इसमें थोड़ी सी मलाई मैं और डाल दूंगी। आप मेजरमेंट एक ही चीज का रखें। अगर आपने कप लिया है तो कप से ही सारी चीजों का मेजरमेंट रखें। अगर कटोरी ली है तो कटोरी से ही रखें। मैंने यहाँ पे एक कटोरी बेसन लिया था, उसमें हाफ कटोरी मलाई की डलेगी। ये देखिए, और अब मैं इसमें सारी मलाई डाल देती हूँ। ये मैंने सारी मलाई इसके अंदर डाल दी है और एक इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है। ये देखिए, हमने इसका स्मूथ डो तैयार कर लिया है। अब इसको 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है, उसके अंदर एक चम्मच देसी घी की डाल दी है। घी बिल्कुल ही इसमें नाम मात्र आप बोलते हो वो ही डलेगा। ये देखिए, घी जब हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तब हम इसके अंदर हमारे डो को डालेंगे। ये घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये डो डाल दूंगी। और हम इस डो को अच्छी तरह से पका लेंगे। देखिए, अच्छी तरह खोल खोल के इस डो को हमें पकाना है। ये बर्फी खाने में बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनती है। देखिए, और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। इसको पकाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मलाई से हमने डो को गूंदा है तो वो मलाई भी हमारी घी को धीरे धीरे छोड़ देगी और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी हमें इस डो को सेकने में। देखिए, बिल्कुल ही अलग अलग हो चुका है। जब तक एक अच्छी सी स्मेल ना आने लग जाए हमारे बेसन से, हमें तब तक इसे पकाना है। ये देखिए, बेसन ने मलाई और घी को अब्सॉर्ब कर लिया है। बिल्कुल अच्छी तरह से आप बेसन को खोल लें। बेसन में कई बार गुठलियां भी पड़ जाती हैं सेकते वक्त,
तो आप उसको बिल्कुल अच्छी तरह से स्पैचुला की सहायता से खोल लें और गैस का फ्लेम स्लो ही रखें। ये देखिए धीरे धीरे आराम आराम से आप इसको सेकें। इस प्रोसेस को करने में तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं। ये देखिए हमारा बेसन अच्छी तरह से भुन चुका है और इसमें एक अच्छी सी स्मेल आने लगी है। अब मैं इसको दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसी कढ़ाई में हम हमारी चाशनी तैयार करेंगे। ये मैंने हाफ कटोरी चीनी की ली है, एक कटोरी बेसन, हाफ कटोरी मलाई और हाफ कटोरी ही हम इसमें चीनी की डालेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं थोड़ी थोड़ी सी चीनी की मात्रा और बढ़ा दें। और इसमें मैंने हाफ कटोरी से कम पानी डाला है। हमें इस चाशनी में किसी भी तार की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इसमें चीनी ही घोलनी है, हमारी चीनी अच्छी तरह से घुल जाए। ये देखिए हमारी चीनी घुलनी शुरू हो चुकी है। ये देखिए हमारी चीनी बिल्कुल अच्छी तरह से घुल चुकी है और अब हम इस बेसन के मिश्रण को इसके अंदर डाल देंगे। गैस का फ्लेम सिम ही रखें आप और इसको अच्छी तरह चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसमें जो गुठलियाँ एक दो हैं उसको अच्छी तरह से स्पैचुला से फोड़ लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें। ये देखिए धीरे धीरे बेसन ने चीनी को अब्सॉर्ब कर लिया है और हमें इसको तब तक पकाना है कि साइडों में से घी ना छोड़ दे हमारा बेसन। इस प्रोसेस को करने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं। अब मैं इसमें हाफ स्पून इलायची पाउडर डाल दूंगी। अगर आपके पास साबुत इलायची हो तो आप उसको उसके दाने को निकाल के कूट के आप इसके अंदर डाल सकते हैं। देखिए अच्छी तरह से इलायची को मिक्स कर लें। ये इलायची पाउडर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सी लोई हाथ में लेके देख लीजिए। ये देखिए हमारी लोई बनकर तैयार हो चुकी है और हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। अब आप जिस भी ट्रे में या प्लेट में बर्फी जमानी हो आप उसमें थोड़ा सा घी लगाएं, ट्रे या प्लेट को ग्रीस कर लें अच्छी तरह से। और इस मिश्रण को इसके अंदर ट्रांसफर कर दें। ये देखिए क्योंकि ये बेसन की बर्फी है तो मैं इसमें कोई भी फूड कलर यूज नहीं करूंगी। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इस बर्फी को सेट कर दिया है। अब ये मैंने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू है, बादाम है, आप अपनी इच्छा अनुसार इसको गार्निशिंग कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से अंदर की तरफ दबा दें। देखिए अच्छी तरह से मैं इसको दबा दूंगी।
अच्छी तरह से इसको आप गार्निशिंग कर दें। इसके ऊपर आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं, या आप इसको सिंपल भी पीसेस में काट सकते हैं। अच्छी तरह से इनको सेट कर दें। ये देखिए, अब आप इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ये देखिए 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। अब मैं आपको इसके पीसेस काट के दिखाती हूँ। मैं इसको चौरस पीस में काटूंगी। क्योंकि दिवाली का त्यौहार शुरू हो चुका है और मिठाइयाँ खाना सबको अच्छा लगता है, तो आप इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, बेसन और मलाई की बर्फी को, और सबको खिलाएं और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। बेसन और मलाई सबके घर में मिलता ही है। देखिए, मैंने पीसेस काट के प्लेट में रख लिए हैं। देखिए हमारी बर्फी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए चिकी है बनाई वाली, मैं आप बिल्कुल ही सॉफ्ट और मॉइस्ट तोड़ के दिखा, कितनी अच्छी बनी है हमारी बेसन की बर्फी, अच्छी मलाई बेसन की बर्फी। आप इसे बनाएं, खाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। और जो मेरे चैनल के साथ नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप इसे बनाएं, खाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें।